अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो अप विद किरण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आज की रेसिपी है बहुत सिंपल, बहुत इजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से लहसुन और अदरक को 1 से 2 महीने के लिए पेस्ट बनाकर रख सकते हैं कि वो ख़राब भी ना हो और उसका कलर भी चेंज ना हो और ना ही उसका टेस्ट चेंज होगा। तो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो यहाँ मैंने लिया है लहसुन और अदरक, दोनों अच्छे से पील कर लिए हैं और अदरक को छोटा छोटा कट कर लिया है। अब इसे ऐड कर लिया है ब्लेंडर में और फिर इसमें जाएगा 1/2 कप के करीब पानी और फिर इसे बहुत अच्छे से कर लूँगी ब्लेंड। बहुत अच्छे से इसे ब्लेंड करें, जितना अच्छा ब्लेंड होगा उतना ही क्रीमी और थिक होगा। इन दिनों में अदरक और लहसुन मार्केट से बहुत कम बजट में मिल रहा है, लेकिन बड़ी ईद तक तो ये बहुत महंगा हो जाएगा। तो आप इस तरह से अदरक और लहसुन को स्टोर कर सकते हैं, इस तरह से पेस्ट बनाकर उन्हें 1 से 2 मंथ के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और ये देखें इतना थिक रखना है, कितना क्रीमी और मज़ेदार सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, बस इतना ही ऐड करना है जिससे ये ब्लेंड हो सके। कोशिश करें जितना कम पानी ऐड करेंगे उतना ही लंबे अरसे तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से ना ही इसका कलर चेंज होगा और ना ही इसका टेस्ट चेंज होगा। अब इस तरह एयर टाइट बॉक्स में इस पेस्ट को ऐड कर लिया है। आप चाहे तो इसे ब्लेंड करने के बाद इसमें 1 से 2 चम्मच ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह भी ख़राब नहीं होगा, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, ये इस तरह से भी ख़राब नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी आपसे ऐसी ही एक और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ लवली डे। अल्लाह हाफिज़।